मैं नेशनल यूनिटी की बात करता हूँ तो थोड़ी सी ये बात आ जाती है। मैं खासकर रमाकांत पांडे सर और दिलीप सर को इस कविता में जोड़ना चाहूंगा। मैं इन्हीं से रिलेटेड हूँ। इशाद हो सभी लोग जुड़े हुए हैं आपसे। रमाकांत पांडे और दिलीप पांडे मेरे सर मेरे दोस्त। मैं दोस्त इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं है मेरे दिल से जो इनको नहीं बताया, इसीलिए मैंने दोस्त जोड़ दिया कि पांडे मेरे सर मेरे दोस्त। लेकिन न जाने को मेरा साथ देकर दुनिया की आंखें खनकती है। हमारी दोस्ती के उनकी नफरतें हम पे अटकती है। मैंने अपने घर की सेवैया उन्हें खिलाई है, दिवाली की मिठाई मैंने भी खाई है। बहुत हर अवसर पे उनके घर से मेरे घर बधाइयां आई है। मैंने अपनी हर तकलीफें उन्हें सुनाई है। होली में मैंने उनके घर की पुआ खाई है। सर अरमान सर भी साथ में होली में मैंने उनके घर की पुआ खाई है। रमजान के महीने में उन्होंने मुझे अफ्तारी कराई है। बहुत क्यों तुम्हारा प्रमाण मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपने हिसाब से जी नहीं सकता। क्यों आप मेरे घर खा नहीं सकते, क्यों मैं उनका जूठा पी नहीं सकता। मैं अमरनाथ भी गया हूँ, वह हाजी अली भी आए हैं और इफ्तार का खाना हम साथ मिलकर खाए। हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो सकते, ये कौन कहेगा यार तुझे। अरे यार ये कौन सा परिंदा था, तुझे क्या पता राम रहीम जिगरी दोस्त होंगे, तू क्या जिंदा था। क्यों भाईचारा देखकर दंग रहते हो, क्यों तिलक और टोपी का मिलन देखकर दंग रहते हो। गीता और कुरान ने कहां कुछ अलग बताया है, दोनों ने हमें सिर्फ और सिर्फ अमन सिखाया है। यदि इस पर भी आपत्ति है तेरी तो खुली चुनौती है मेरी कि बता किस आयत या श्लोक में है ये बात बताई कि हिंदू मेरा दोस्त नहीं हो सकता, मुसलमान उसका भाई। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह। अभी छठ में अभी चकला भी खाने जाना है।